हेलो एंड वेलकम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेनली फोर और फाइव क्रॉप्स वी विल डिस्कस, राइस, मेज़, वीट, ज़ाफ़रान। सो आई विल डिस्कस ओनली दोज पॉइंट्स विच आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द JKSSB एग्ज़ाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द राइस। जो राइस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए, ये कौन सा क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है या रेबी क्रॉप है, ये हम इसको कब सोन करते हैं, कब इसको हार्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से हम ये पढ़ेंगे कि कितने एरिया राइस के अंडर है कश्मीर में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। द राइस रिक्वायर्स हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। जो राइस है इसको हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, ये खरीफ क्रॉप है, राइस एक खरीफ क्रॉप है। दो या तीन क्रॉप्स होते हैं, तीन टाइप्स खरीफ क्रॉप्स, मेनली रबी क्रॉप्स और जेड क्रॉप्स। ठीक है, तो ये राइस है ये खरीफ क्रॉप्स है। मुझे लगता है कि आप लोगों को पता है खरीफ क्रॉप्स के हैं, रबी क्रॉप्स के हैं, जेड क्रॉप्स के हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा कि व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप, व्हाट इज़ रबी क्रॉप, व्हाट इज़ जेड क्रॉप, तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। तो आपको यही याद रखना है कि व्हाट राइस इज़ ए खरीफ क्रॉप। ठीक है, जो और हम इसको मार्च या अप्रैल में इसको सोन करते हैं। ठीक है, राइस को हम मार्च या अप्रैल में इसको सोन करते हैं और हम इसको हार्वेस्ट ऑटम में करते हैं। सोन कब करते हैं? मार्च या अप्रैल में। और हार्वेस्ट कब करते हैं? ऑटम में। ठीक है, मौसमी खजाना में। टोटल एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन कश्मीर इज 374,000। ठीक है, जो इसकी जो यील्ड है पर एकर वो है 25 क्विंटल। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है JKPSC में, बड़े बड़े एग्जाम में, कि जो राइस है जो इसकी यील्ड है पर एकर वो क्या है, वो 25 क्विंटल है। आधे किताबों में आपको इससे ऊपर यानी कि 30 क्विंटल पर एकड़ भी दिया होगा या 20 क्विंटल, मगर मेजॉरिटी ऑफ जो बुक्स हैं वो 25 क्विंटल लिखते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 25 क्विंटल पर एकड़ लिखा है। ठीक है, यही पॉइंट्स एग्जाम में आ सकते हैं कि जो राइस से ये कौन सा क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है। जो एरिया है अंडर राइस कल्टिवेशन वो कितना है कश्मीर वैली में, ये कितना यील्ड करता है पर एकर, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर उसके बाद है मेज़। मेज़ के लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल कितनी ज़रूरत है इसके लिए, वो हम इसमें पढ़ेंगे। जो मेज़ है इसको हॉट और ड्राई क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, मेज़ के लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए, हॉट और ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, जो रेनफॉल है, जो बारिश है, वो मेज़ के लिए 75 to 125 सेंटीमीटर तक, ACM चीफ नहीं है ये, सेंटीमीटर है CNTI। जो इसकी मैं PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में वो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, या मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। सेंटीमीटर इतना रेनफॉल ज़रूरत है फॉर मेज़ के लिए। ठीक है, इसको हम मेज़ को हम मई और जुलाई में इसको सोन करते हैं। और कल्टीवेटेड ये करेवा लैंड्स, आगे मैं बताऊंगा व्हाट इज़ करेवा लैंड्स, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं करेवा लैंड्स की वो क्या है। ठीक है, इसी लैंड पे ये इसको कल्टीवेट किया जाता है, किसको, मेज़ को। और जो मेज़ है ये स्टेबल फूड है फॉर गुजरस। शायद 2013 में शायद ये SSB में आया था, द स्टेबल फूड फॉर गुजरस इज राइस, वीट, मेज़। तो द स्टेबल फूड फॉर गुजरस इज मेज़। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया था। मैं उन्हीं पॉइंट को टच करता हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ये उधमपुर में हम इसको वहाँ पे सोन करते हैं। ठीक है, कश्मीर में भी इसको सोन करते हैं, ये नहीं कि कश्मीर में नहीं, ज़्यादातर हम अगर जम्मू के रीजन में हम बात करेंगे तो वहाँ पे उधमपुर में आपको ज़्यादातर ये मिलेगा। फिर उसके बाद है वीट। जो वीट है, मैंने कहा राइस से खरीफ क्रॉप, जो वीट है ये रबी क्रॉप है। ठीक है, इसको कूल
और मॉइस्ट क्लाइमेट शुरुआत में चाहिए, शुरुआत में, इन बिगिनिंग, मैंने यहाँ पे लिखा है इन बिगिनिंग, ठीक है। जब हम इसको सोन करते हैं वीट को, तब इसको कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, और जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं तब इसको ड्राई और वार्म वेदर ज़रूरत है। इसको हम अगस्त में सोन करते हैं और हार्वेस्ट मार्च और अप्रैल में हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जो एवरेज रेनफॉल इसको चाहिए वो तकरीबन 50 से 70 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, एंड दैट एट इंटरवल्स। याद रखिए मैंने कहा कि जो रेनफॉल ज़रूरत है इसके लिए वो है 50 से 70 सेंटीमीटर, मतलब दैट एट इंटरवल्स, बीच बीच में वो बारिश होनी चाहिए, नहीं कि एक ही साथ अगर बारिश पड़ जाएगी 50 सेंटीमीटर तो नहीं, बीच बीच में, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो हैं कठुआ, रियासी, सांबा, आर एस पोरा, रणबीर सिंह पोरा, जम्मू में, ठीक है। जो एरिया है अंडर वीट कल्टीवेशन इन जम्मू वो है 31,000 एकर्स, ठीक है, एकड़। और जो कश्मीर में है वो है 78,000 एकड़। देखिए यही पॉइंट्स आते हैं एग्ज़ाम्स में कि जो एरिया है अंडर वीट कल्टीवेशन ये वो कितना है, जम्मू कश्मीर में कितना है, जम्मू में कितना है, कश्मीर में कितना है, जो इम्पोर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज है जम्मू में वो कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ज़ाफ़रान के बारे में। आधे लोग पढ़ते हैं ज़ाफ़रान, ज़ार से आवाज़ निकालते हैं पहले, आधे लोग पढ़ते हैं सैफरान, जो भी आप पढ़ोगे टेंशन नहीं है। देखिए जो ज़ाफ़रान है या सैफरान है ये कैश क्रॉप है, ठीक है, ये कैश क्रॉप है। ये ज़्यादातर कश्मीर में पंपोर एक जगह है वहाँ पे ये इसको कल्टीवेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त में, और इसको भी हार्वेस्ट ऑटम के दौरान में इसको हार्वेस्ट किया जाता है ऑटम के दौरान, ठीक है। तो जो सोइल फॉर दिस ज़ाफ़रान वो एलोवियल होनी चाहिए और लैक्सट्राइन, ठीक है। जी मैंने तीन पॉइंट्स बताए, जो ज़ाफ़रान है ये कैश क्रॉप है, ज़्यादातर कश्मीर में किस जगह यहाँ ये कल्टीवेट किया जाता है पंपोर में, और जो सोइल ज़ाफ़रान के लिए होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एलोवियल एंड लैक्सट्राइन, ठीक है। तकरीबन पंपोर में 3,000 एकड़ ज़मीन अंडर ज़ाफ़रान है, ठीक है, 300 एकर्स आर अंडर ज़ाफ़रान इन पंपोर एरिया, ठीक है। जो एक ज़ाफ़रान के लिए बेड्स बनाए जाते हैं, जो स्क्वेयर बेड्स बनाए जाते हैं तकरीबन 1.5 मीटर, 1.5 मीटर स्क्वेयर बेड्स बनाए जाते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ज़ाफ़रान। तो जो जो बेड्स होते हैं दैट इज प्रोवाइडेड विद द नैरो ट्रेंच ऑन ऑल साइड्स टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो स्क्वेयर बेड्स होते हैं जो ज़ाफ़रान के लिए हैं वो कितना होते हैं, ईच बेड मेजर्स 1.5 मीटर, वाई इज इट प्रोवाइडेड विद नैरो ट्रेंच टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। और भी बहुत से सारे क्रॉप्स हैं लाइक राजमाश, वो भद्रवाह, डोडा, राजौरी और पुंछ में इसको ग्रो किया जाता है राजमाश को, और इसी तरह से रेप सीड्स, मस्टर्ड, लिनसीड, इसी तरह से टोरिया है, कॉटन सीड्स हैं वो भी चीफ वेराइटीज़ हैं ऑयल सीड्स की, और अनंतनाग और श्रीनगर वो चीफ एरिया से कश्मीर में जो ये प्रोड्यूस करते हैं रेप सीड्स। 6,700 एकर्स है कश्मीर में जो रीजन है जो प्रोड्यूस करते हैं ऑयल सीड्स। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैं कह रहा हूँ जो ऑयल सीड्स के बारे में, मतलब हो सकता है इनके बारे में कभी पूछा जा सकता है। या टोबैको, उसके लिए कौन सा क्लाइमेट होना चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड रिच सॉयल जो लाइम कंटेन करे, ठीक है। या हम शुगर केन की बात करेंगे वो अखनूर, रणबीर सिंह पोरा में इसको उगाया जाता है, न कि कश्मीर और लद्दाख में, क्योंकि इसको हॉट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। मैंने राइस, मीज, वीट, अभी मैंने शुगर केन, राजमाश, टोबैको, रेप सीड्स और ज़ाफ़रान के बारे में आप लोगों को बताया। या फ्रूट्स जो सेब होते हैं
तकरीबन 3 लेख टन्स फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड एनुअली एंड 2 लेख टन्स आर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, ये आप याद रखना ये डाटा, 3 लेख टन्स फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड एनुअली एंड 2 लेख टन्स आर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज। थैंक यू सो मच, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल सो दैट एवरी वन विल गेट बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच।